लगता है तो संसार की सभी इच्छाएं आप पे ही समाप्त हो जाती हैं। सभी को बहुत ध्यान देना है अपने मैंपन पर, मैं। और इस मैंपन का सबसे सूक्ष्म रूप है जिसको सबको ठीक करना है। देखो मैंपन कई रूप में आता है। माताएं मेरे पास बैठी हैं, मैं घर की बड़ी हूं, मैं अनुभवी हूं, मैंने सब कुछ तैयार किया है। मैं अनेक रूपों में आता है। मैं ही बुद्धिमान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं काम बहुत अच्छा करती हूं, मैं घर संभालती हूं, मैं। और बाबा कहां गया? अपने घर। बाबा को छुट्टी दे देते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में पंखा, मैं राइट हूं। अब लिखेंगे सभी, इस पे काम करना है। राइट माना सही हूं, मैं सही हूं, तुम गलत हो। इससे होते हैं घर घर में झगड़े। कौन झुके? एक को तो झुकना ही पड़ेगा, और जो झुके वही समझदार। अब बोलो बहने समझदार हैं या भाई हैं? क्या कोई नहीं बोल रहा? चुपचाप बहने बोल रही हैं कि बहन ने भाई पीछे करती है ना। ऐसी एक घटना सुनाता हूं, वही घटना मुझे प्रिय लगती है। ऐसी कई घटनाएं हैं। एक युगल मिलने आए 40-45 साल के, बैठते ही बहन जी ने कहा हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं और कोई बात नहीं की, हमें समाधान चाहिए, हमारे घर में लड़ाई ना हो। मैंने पूछा क्या करते हो दोनों? दोनों ही लेक्चरार हैं, पढ़ाई कहां तक की है? डबल एम ए एमफिल हैं। कई माताएं तो इसको नहीं जानते, मना बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने पूछा ये बताओ तुम दोनों में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा ठीक है दोनों ही बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, अब मुझे ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? तो जैसे कई माताएं यहां बोल रही थी, उस बहन ने फट से बोल दिया मैं हूं। तो मैंने कहा जो समझदार है उसे झुक कर चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं? अब बहुत सुंदर बात नोट कर लो, नोट करनी है डायरी में, बुद्धि में बाद में। मेरा मैं बड़ा या संबंधों का सुख बड़ा? बोलो मेरा अहम बड़ा या संबंध बड़े? एक बात है ना, क्योंकि जहां संबंधों में लड़ाई है, किसी की भी हो, बाप और बच्चे की हो, स्त्री पुरुष की हो, संबंधों में लड़ाई सबसे खराब। कोई बाहर से लड़ाई हो चल जाती है, घर में लड़ाई हो भारी पड़ता है। तो समझदार को झुक के भी चलना है और महत्व तो अपने अहम को नहीं देना, हीरो को नहीं, संबंधों को। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए झुकना पड़े, चुप रहना पड़े, वो समझदारी है। बोलो स्वीकार है भाइयों को?